लेकिन इंशाल्लाह चलो यहाँ स्कूल की तरह कम अलाउंस करेंगे तो थोड़ा सा मैं काउंसलिंग करूँगा, थोड़ा सा उनको बताऊँगी अभी तो ये ताकि पेरेंट्स मेंटल हेल्थ डे है जो कि पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जा रहा है 10th अक्टूबर को, तो इस ये पहली बार मनाया गया 1992 में सेलिब्रेट किया गया फर्स्ट टाइम। तो मेंटल हेल्थ का मैं ये बताऊँगी एक्सेप्शनल माइंड सेंटर फॉर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, और इसकी विंग पे हमने स्टार्ट किया एक्सेप्शनल माइंडस रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिकल हेल्थ सेंटर, जहाँ पे हम हर एज ग्रुप के बच्चा एडोलसेंट एज का हो, हर एज ग्रुप के जो आते हैं लोग उनको हम मेंटल हेल्थ काउंसलिंग करते हैं और असेसमेंट करते हैं स्पेशल बच्चों को, या IQ टेस्ट करते हैं। हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन सर्विसेज दोनों फैसिलिटीज हमने रखी है। मेंटल हेल्थ मीन्स के मतलब जब तक हर एक इंसान का मेंटल हेल्थ सही नहीं होगा, फिट नहीं होगा, तब तक कोई इंसान लाइफ में कुछ नहीं कर सकता है। पहले हमें हर इंसान को, जितने भी ह्यूमन, चाहे वो बच्चा हो किसी भी एज ग्रुप का, हमें अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करना है। हमारे कश्मीर में जो है मेंटल हेल्थ का स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अगर कोई काउंसलिंग के लिए आता है तो बहुत सारे बोलते नहीं नहीं हमारा नाम, मतलब ऐसा उनको लगता है कि हमें बोलते हैं शायद पागल है, ऐसा कुछ नहीं। मेंटल हेल्थ हर एक को मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है, इवन कि मुझे भी हर एक को मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की ज़रूरत है। जो भी मेरी टीम यहाँ पे है, जो RSA सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट है और RSA सर्टिफाइड काउंसलर्स है, जो कि हर एज ग्रुप को हम आते हैं यहाँ पे, जिनको हम मेंटल हेल्थ काउंसलिंग करते हैं। मैसेज रहेगी हर पेरेंट्स से, चाहे वो स्पेशल बच्चे का पेरेंट है, चाहे वो नॉर्मल बच्चे का पेरेंट है। आमतौर यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा डिस्टर्बेंस, हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट्स होते हैं, डिवोर्सेस होते हैं इन बच्चों के लिए, को लेके। ऐसा मैं नहीं, मैं जबकि सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगी अपने मेंटल हेल्थ को फिट रखिए, मतलब आप इसमें अगर डिस्टर्बेंसेस है वो दूर कीजिए, तब जाके एक बच्चे के साथ आप वर्क कर सकते हो, तब जाके आप एक बच्चे को थेरेपी सेंटर ले सकते हो, तब जाके आप अपने बच्चे की लाइफ कहीं उनका फ्यूचर अच्छा बना।